नमस्कार दोस्तों, बप्ताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेव की रबड़ी। इसे आप नवरात्रि में बनाकर सर्व कर सकते हैं या आपका जब मन करे इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम सेव, एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 100 ग्राम चीनी, 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में दूध डालकर इसे हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उबाल आने तक इसे हम चलाते रहेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक उबाल लेंगे। जब तक हमारा दूध उबल रहा है और गाढ़ा हो रहा है तब तक हम सेब को कद्दूकस कर लेते हैं। इसी तरह हम सेब को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। सेव को हमने कद्दूकस करके रख लिया है। दूध भी अब अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार चीनी डालकर अच्छी तरह से मेल्ट होने तक मिला लेंगे। सेव की रबड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप गर्म या ठंडा दोनों तरह से खा सकते हैं। चीनी अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ सेव और इलायची पाउडर डालकर मिला लेंगे। इलायची पाउडर डालने से रबड़ी में खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छी आती है। तो डालकर अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे और मीडियम आंच पर 8 से 10 मिनट तक इसी तरह हम इसे चलाते रहेंगे ताकि सेव भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। रबड़ी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप इस तरह से रबड़ी बनाकर देखें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको सेव का कुछ अलग बनाकर खाने का मन करे तो आप इस तरह से भी बनाकर खा सकते हैं। यह बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको और भी स्वीट रेसिपीज देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सेव की रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। सेव की रबड़ी गर्मा गर्म या ठंडा दोनों तरह से अच्छा लगता है, लेकिन असली टेस्ट ठंडा होने के बाद ही आता है। अब हम इसे एक मिट्टी के कुल्हड़ में निकालकर सर्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव बप्ताज किचन पर शेयर जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।